डर लगता है लोगों से बात करने में, तो मैं आपको बताऊंगी इसका सबसे मुख्य कारण क्या है। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इनसे निपटा कैसे जाए। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया के सारे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स में एक कॉमन चीज़ क्या है जो आप भी यूटिलाइज कर सकते हो, वो ये है कि ये सब बहुत ही बड़े माहिर कलाकार हैं रिश्ते बनाने में। नहीं, लिटरली रिश्ते नहीं, वो अपने अपने डॉटर्स और अपने सन को एक दूसरे के यहाँ शादियाँ नहीं कराते हैं। मेरा कहने का मतलब है, बातों की जादूगरी कुछ ऐसी होती है कि सामने वाला श्रोतागण, बड़ी ऑडियंस हो या एक बंदा बैठा हो, इन सबको मिनटों में पता भी नहीं चलता है कब वो उनको इतना पसंद करने लगते हैं कि मुझे लगता है ये तो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ हो, तो आपको तीन चीज़ें करनी होंगी। पर उसके पहले एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, टिप क्या है, आपको अपने श्रोताओं के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाने की आदत डालनी चाहिए। रिश्ते तो भाई ऐसे बनते नहीं हैं कि आप गए और आपने बोला देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, और रिश्ते पक्के हो गए। ऐसे नहीं होते। ये एक संबोधन का तरीका हो सकता है और बहुत ही पॉपुलर है, आपको भी पता है। बट अगले 10 मिनट तक, अगले आधे घंटे तक लोग आपको क्यों सुने? उस सुनने के लिए आपकी ये कला रिश्ते बनाने की, उनके साथ उनको ऐसा एहसास दिलाने की कि मैं आप में से एक हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आपके लिए है, और इट शुड ऑलवेज बी यू सेंट्रिक, ये उनके लिए है, ये बताने के लिए आपको इस काबिलियत में माहिर होना पड़ेगा। और उसके लिए जो तीन गुण हैं इस प्रकार हैं। पहला, खुद को जानिए, नो योर सेल्फ, बुद्धा भी बोलते थे दैट। खुद को जानना एक सबसे बड़ा एनलाइटनमेंट होता है। तो खुद को जानिए, और खुद को जानने के लिए खुद की बातें करनी होती है। इसके लिए हमें बहुत बड़े मंच की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना माहिर आप होते जाएंगे दिन ब दिन। जैसे घर में आपकी वाइफ हो, या आपके हस्बैंड हो, या आपके बच्चे हो, या आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो तो सुन ही सकते हैं। उनको छोटे 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 छोटी कहानियाँ बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में। जैसे जब मैं पहली बार वहाँ पोस्टिंग हुई थी मेरी, तो कैसा रहा, और मेरा ये प्रिय दोस्त वो कैसा ट्रेचरस निकला। छोटी छोटी कहानियों से अपने आप को एक आदत डालिए बताने की लोगों को मैं कौन हूँ। सो खुद को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ एक और बात, ये सारे ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स जिसका भी आप नाम सुने होंगे, या जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, और जिनकी भी बात आप करते होंगे, वाह क्या कमाल की बातें करते हैं, इनकी बातें सुन करके ऐसा लगता है कानों में मिश्री घुल गया हो। बट इन सब में जो कॉमन चीज़ें क्या है, ये बहुत ही अच्छी तरह वो करते होते हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं दैट मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, या बहुत बड़ा होशियार हूँ, या मैं इनको ठगने वाला हूँ, या फिर मैं इनकी ज़िंदगी बनाने वाला हूँ, उनको अच्छे से पता होता है। सो नो योर सेल्फ, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल द विजडम। आपकी सारी बुद्धि का रास्ता खुलता है अपने आप को जानने से। और अपने आप को जानने के लिए अपनी कहानियाँ बताइए, आपने अपनी स्ट्रगल बताइए, आप कैसे रंग से राजा बने वो बताइए, आप बताइए कि आपने ज़िंदगी में जो देखा है, आपने जो बाल सफ़ेद किए हैं ये धूप में नहीं किए हैं, वो कैसे सफ़ेद हुए हैं ये बताइए उनको। कितने सालों में, इतने कम सालों में, इतने ज़्यादा सालों में, जो भी सिचुएशन रहा हो, आपने क्या सीखा है ज़िंदगी में, आपने अपने आप को कितना टाइम दिया है ये समझने में कि ये लोग कौन हैं। वहीं से हमारा दूसरा गुण आता है सामने, वो है लोगों को जानने के। अपने ऑडियंस को जानिए, ये कौन है, आपके श्रोतागण कौन है, चाहे वो 100 की भीड़ में हो, या फिर वो टेबल के आसपास बैठे एक दो लोगों के साथ हो, आप उनको जानिए, ये दूसरा गुण है। आप उनको कैसे जान सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। भगवान ने हमें दो कान दिया है और एक मुंह दिया है, क्योंकि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम। सो जब भी आप इस मिशन पे निकलते हो कि मुझे लोगों को और जानना है, तो आप लोगों की सुनो ज़्यादा, बोलो कम। बोलने के लिए जब भी मुंह खोलो तो सवाल पूछो, अच्छे सवाल, पुलिस वाले इंटरोगेशन नहीं। उनसे पूछो और ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, उनसे पूछो और क्या उन्हें अच्छा लगता है। दुनिया में हर किसी को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये जान पाते हैं तो एक तो बंदे की तो बात छोड़ ही दीजिए, आप हजार लोगों में से भी आपको पता होगा कि इस सोसाइटी में, इस राज्य में, इन सारी पॉपुलेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही होगी, इन सब लोगों की लाइफ कहाँ जाके अटक गई है, कैसे मोड़ ले रही है समय के साथ।
और जितना ज़्यादा आप इसको जान पाएंगे उतना अच्छा भाषण आप दे पाएंगे। हमारा भाषण ऑफकोर्स एक कला होती है, कला होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, बट उससे बड़ी बात है ये एक प्रॉमिस भी होता है उन लोगों के साथ कि मैं आपको यहाँ पर ठगने नहीं आया हूँ, मैं आपको जानता हूँ। सो यहीं से हम जाते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है कि किसी और का जीवन जीने में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, क्योंकि आपको जीवन तो एक ही मिला है, और वो बहुत अच्छा इंसान मैं खुद हूँ। सो आपको किसी और की तरह पब्लिक स्पीकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद कौन हैं अगर आप खुद को जानते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको अपनी स्टोरी अच्छे से पता है, अपनी स्ट्रगल पता है, अपने प्रॉब्लम्स पता हैं, अपने ट्राइम्स पता है, अपना सक्सेस पता है, तो आप एक इंडिविजुअल इंसान ऑलरेडी बन चुके हैं। और अगर आपको सामने वाले ऑडियंस के बारे में पता है तो आपको ऑलरेडी पता है किसके साथ आप आगे रिश्ते बनाने वाले हैं बोलते हुए उस मंच पर। सो अगर आप इतना सब जानते हैं तो फिर तीसरा पर्सन कोई और बनने की कोशिश ना करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पीच की और अपने भाषण की शुरुआत इसी तरह करनी है, या फिर एक कोटेशन दे के करना है, या फिर आपको एक पोम बोल के करना है, एक कविता बोलनी है अच्छी सी। आप वो बोलिए जो आपको लगता है ज़रूरी है, आप वो बोलिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। आप देखिए ना, हम सब अलग लोग हैं। मैं अगर कोशिश करूँ महात्मा गांधी की तरह बोलने के लिए, नहीं हो सकता, ना ही महात्मा गांधी मेरी तरह बोल सकते थे। सो ट्रूथ यही है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है हम इंसानों की, कि हम दूसरों की लाइफ जीने की कोशिश इतनी ज़्यादा करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग का सबसे अहम, सबसे मुख्य गुण जो आई बिलीव मैं आपको भी बता सकती हूँ और दुनिया के सारे पब्लिक स्पीकर में है, वो किसी और की कॉपी नहीं करते हैं, वो किसी और की तरह बनना नहीं चाहते, वो करते हैं जो उनका दिल कहता है, वो बताते हैं जो उनका ब्रेन समझता है, वो बताते हैं जो उनके बारे में जानते हैं। और इन सबको बताने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर करेंगे। और प्रैक्टिस पता है आपकी वीक क्यों है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा हार्श होकर आपको बताती हूँ। छोटे छोटे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में मिलते हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हो गया, आप अगर आप वर्किंग हैं तो आपको मीटिंग्स में कभी बोला जाता है दो बातें बताइए, आप किसी सेमिनार में हैं या कहीं किसी वर्कशॉप में, अपने ऑफिस का ही कोई इवेंट है जैसे, आपको बोला जाता है किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उनको मिलवा दीजिए, आप इन सारे सिचुएशंस में ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग, एग्जैक्टली वैसे ही। बड़ी बात को अगर छोटी करके बताया जाए तो मेरे कहने का मतलब है हर छोटे अवसर का फ़ायदा उठाइए। जब भी आपको हाथ में माइक मिलता है, नहीं भी मिलता है, जहाँ चार लोग हैं वहाँ खड़े होकर के बोलने की कोशिश कीजिए, बैठे बैठे तो क्या बोलूँ मैं अब आपको। सो हर छोटे छोटे अवसर को एक बड़े अवसर में तब्दील करने के लिए उस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। एक यही तरीका है जो सबसे बड़ा तरीका है अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने का, और इसको कोई काट ही नहीं सकता। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने सब कुछ समझ लिया ये टिप, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जी जान लगा के प्रैक्टिस कीजिए। पर उसके अलावा आप एक और अच्छी चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि आप हमारी वेबसाइट पे जा करके ये देख सकते हैं हमारा एक दिन का वर्कशॉप जिसमें हम हिंदी में पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा मिशन ही ऐसा कुछ है दैट पूरी दुनिया को हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान आप वीक हो या स्ट्रांग हो, आपकी शब्दों की कला कोई नहीं छीन सकता, और वो आपको राजा भी बना सकता है और रंग पे। सो आप हमारे हिंदी वर्कशॉप में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। उसके लिए आप पहले वेबसाइट पे जाइए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर देखिए हम क्या सिखाते हैं, हम ऐसा क्या करते हैं जिससे इंसान एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनता है। हमसे बातें कीजिए और उस वर्कशॉप के लिए बिल्कुल इनरोल कीजिए।